हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार, आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो योर वेबसाइट एंड अर्न ह्यूज। तो पहले सोचो आप लोग कि आप किसके ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद कैसे ग्रो करना वो मैं आपको बताऊंगा। सवंतिका का ब्लॉग स्पॉट का लिंक भी दिया हुआ है नीचे, आप वहाँ जाके पूरा पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं। तो पहले सोचिए, अरे याद चीज रखिए, जो ग्रो करने के लिए आपको तीन चीज़ें की ज़रूरत है, ठीक है? कौन सी वो तीन चीज़ें हैं? तो वो तीन चीज़ें जो तीन फिंगर दिखाई दे रहा ना, ये तीन चीज़ें। पहला तो डोमेन आता है .com या फिर कोई भी ऐसा डोमेन जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। सेकंड आता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या करता है? सब डिवाइसेस में उसका अवेलेबल करता है, आपका रीच बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका पेज का लेआउट, ठीक है? जितना यूज़र फ्रेंडली होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतना आएगा कस्टमर, उतना आएगा कस्टमर को ये सभी चाहिए, ठीक है? और उसके साथ साथ जो कस्टमर आएगा उससे आपको क्या मिलेगा? आपको पैसे मिलेंगे। तो पैसे यार, जो पैसे है आपके पास, आपको कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। पहले ऐसे आ जाएगा क्या? तो ₹1000 आपको इन्वेस्ट करना है। तो यार, ये जो ₹1000 आपको इन्वेस्ट करना है, ये कहाँ करना है? सोच रहे होंगे ना, इतना पैसा तो खर्च कर दिया है यार वेबसाइट में, अब यार ₹1000 क्या चीज़ का मांग रहा है भाई? तो ₹1000 आपको इन्वेस्ट करना है गूगल एड्स में। गूगल एड्स क्या करेगा? आपका वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट करेगा सब जगह। इससे क्या होगा? आपका रीच बढ़ेगा। पर हाँ, रुक जाइए, उसके साथ साथ आपको मोनिटाइज भी करना है। गूगल एडसेंस पे आपका वेबसाइट को मोनिटाइज भी करना है। इससे क्या होगा? आपको पैसे भी आएंगे, ठीक है? मोनिटाइज जो एड्स आपका शो करेगा उससे आपको पैसे भी आएंगे, ठीक है? अभी यार ये प्रोसीजर है, ठीक है? जो पैसे आपको आएंगे, आपको उसको करना क्या है, ठीक है? ये जो पैसे आएंगे, इसको आप अपने पास मत रखिए, इसको फिर से आपको यूटिलाइज करना है गूगल एड्स पे। और ये प्रोसीजर करते रहो, जब 6 महीने 7 महीने, तब तक, कब तक? जब तक आपके पास एक अच्छा कस्टमर बेस ना तैयार हो जाए, ठीक है? अगर आपके पास कस्टमर्स आ गए, ठीक है, एक स्टेबल कस्टमर आ गए, तो आपको उसके बाद आपका अर्निंग स्टार्ट होगा। ऐसा अर्निंग स्टार्ट होगा आपको सेल्स, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उससे आपको अर्निंग आएगा, ठीक है? और हाँ, बोला ना गूगल एडसेंस के बारे में, तो जो एड्स आपका शो होगा वेबसाइट में उससे आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है? आपको पैसे भी मिलेंगे। और स्पॉन्सरशिप, याद रखिए, बड़ा बड़ा ये कंपनीज वेबसाइट्स को ट्रिगर करता है उसका ब्रांड को आगे ले जाने के लिए, तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज से। तो तीन वे। तो यार रुक जाइए, इससे क्या होगा ना, आपका कस्टमर जो था वो स्टेबल तो रहेगा पर बढ़ेगा नहीं। तो इसमें क्या करना है, याद रखो, जो भी पैसा आप अर्न कर रहे हैं उसका बस 10% आप गूगल एड्स में एवरी मंथ लगा रहेंगे। इससे क्या होगा, डे बाय डे आपका वेबसाइट ग्रो करेगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएगा आपके पास, ठीक है? यही बात है। और हेल्प के लिए सावंती का तो है ही, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? थैंक यू सो मच।